हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते बेशक, लेकिन उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे हर दिन को खुशनुमा बनाते हैं, उपयोगी बनाते हैं, और आज का वीडियो उन्हीं के लिए है। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको उन सब लोगों के बारे में बताना चाहती हूँ, उन सब लोगों के नाम क्या हैं, उनको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये बताना चाहती हूँ। तो अब मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपकी नॉलेज होने वाली है सुपर फास्ट इम्प्रूव। तो आज का वीडियो होने वाला है पीपल अराउंड अस, मतलब लोग अराउंड, चारों तरफ, अस हमारे, हमारे चारों ओर जो लोग रहते हैं उनके बारे में ये वीडियो है, जिनको हम देख पाएँ या ना देख पाएँ, लेकिन ये हमारे दैनिक जीवन को बहुत ही स्मूथ बना देते हैं। इनके बिना हम अपने पूरे दिन को जो है ठीक ढंग से कार्यान्वित भी नहीं कर सकते, ठीक है। पहला है फार्मर। फार्मर मीन्स किसान। आप सभी जानते हैं ये देश का अन्नदाता होता है, इसको हम फार्मर बोलते हैं। फार्मर मीन्स किसान, ठीक है। तो किसान का आप सभी को पता है हमारी अर्थव्यवस्था में बेशक इसका योगदान कम माना जाता है, लेकिन आप सभी जानते हैं हमारे घरों में जो रोटियां बनती हैं, जो खाना बनता है, वो इसी की बदौलत है। तो एक लाइक बनता है ना इनके लिए। नेक्स्ट है राइटर। राइटर माने लेखक। लेखक वो लोग होते हैं जो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को कॉपी पे लिख के, कागज़ पे लिख के उतारते हैं, और हम उनकी किताबें पढ़ते हैं और बहुत इंस्पायर होते हैं। आपने अब तक कौन सी अच्छी बुक पढ़ी है उस राइटर का नाम मुझे लिख के भेजिए और उस बुक का नाम मुझे लिख के भेजिए। और हूँ, मुझे भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, और मैं भी चाहती हूँ कि मुझे पता चले मेरी ऑडियंस कौन सी किताब पढ़ती है, ताकि मैं भी पढ़ पाऊँ। नेक्स्ट है सर्वेंट। सर्वेंट होता है नौकर, यानी हमारे घर में जो हमारे दैनिक जीवन के कार्यों में, हमारे किचन में, हमारे घर की साफ सफाई में जो हमारा हाथ बटाता है, उसको हम नौकर कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं सर्वेंट, ठीक है, सर्वेंट। नेक्स्ट है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट माने होता है कलाकार। जो भी किसी आर्ट में निपुण होता है, पेंटिंग में, डांसिंग में, कोई भी स्किल जिसमें वो बहुत अच्छा उम्दा काम करता है, उसको हम बोलेंगे आर्टिस्ट, कलाकार, ठीक है। नेक्स्ट है पोएट। पोएट मीन्स कवि। वो ये भी लेखक की तरह ही होता है, लेकिन इनकी भाषा थोड़ी सी जो है गायकी की तरफ मुड़ जाती है, थोड़ी सी इनकी भाषा में लय बनती है, इसलिए इनको पोएट कहा जाता है। कवि जो अपनी बातों को, भावनाओं को थोड़े कविता के माध्यम से प्रकट करते हैं। नेक्स्ट है सिंगर। सिंगर मीन्स गायक। जो गाता है गीत, उसको कहेंगे हम सिंगर, गायक। नेक्स्ट है लीडर। लीडर माने नेता। नेता जो हमारे डेमोक्रेसी में हम सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं और उनको अपना नेता बनाते हैं, वो है हमारे लीडर, यानी कि नेता। आपका लीडर, फेवरेट लीडर कौन है अब तक का? ज़रूरी नहीं आजकल का ही हो, कभी भी आपको जो पसंद रहा है वो मुझे कमेंट करिए। नेक्स्ट है डॉक्टर। डॉक्टर हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, आप सभी जानते हैं। तो डॉक्टर को हिंदी में कहते हैं चिकित्सक। डॉक्टर को क्या कहते हैं? चिकित्सक। नेक्स्ट है एक्टर। एक्टर मीन्स अभिनेता। जो फिल्मों में, थिएटर मूवीज़ में, सीरियल्स में काम करते हैं, अपनी एक्टिंग करते हैं, अभिनय करते हैं, उनको कहेंगे हम अभिनेता। और एक्ट्रेस, एक्ट्रेस का मतलब होता है अभिनेत्री। एक्ट्रेस मतलब जो लेडी होती है, जो स्त्री जो अभिनय करती है, उसको हम कहेंगे अभिनेत्री। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फार्मर, किसान, राइटर, लेखक, सर्वेंट, नौकर, आर्टिस्ट, कलाकार, पोएट, कवि, सिंगर, गायक, लीडर, नेता, डॉक्टर, चिकित्सक, एक्टर, अभिनेता, एक्ट्रेस, अभिनेत्री। नेक्स्ट हमारा पेज है जो, उस पर है पोस्टमैन, डाकिया, सभी जानते हैं डाकिया, जो हमारे घर पे चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं। मिल्कमैन मतलब दूध, या जो सुबह सुबह दूध देने आते हैं, मिल्कमैन। नेक्स्ट है वॉशरमैन। वॉशरमैन मीन धोबी, जो हमारे घर से कपड़े कलेक्ट करके ले जाते हैं लॉन्ड्री के लिए, उनको हम कहेंगे धोबी, वॉशरमैन। मेड, मेड जो होती है हमारी काम वाली बाई या आया या नौकरानी भी कह सकते हैं, जो डेली लाइफ के कामों में हमारा हाथ बटाती है, हमारे घर की साफ सफाई करती है, वो होती है मेड। नेक्स्ट है सोल्जर। सोल्जर मीन्स सैनिक। जो देश की सीमाओं पर हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, वो होते हैं हमारे सोल्जर्स। हमारी तीनों सेनाओं के नाम कमेंट करके बताइए ज़रा, तो पता चलेगा। नेक्स्ट है टीचर। टीचर मीन्स अध्यापक, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, टीचर, अध्यापक। कॉबलर, ये एफ नहीं है, इसे आप गलती से समझ लेंगे। कॉबलर मीन्स मोची, जो जूते चप्पल हमारे सुधारने का काम करते हैं, कहीं भी टूट जाते हैं तो हम उनके पास जाते हैं और अपने सुधरवाने का काम करते हैं, उनको कहेंगे कॉबलर, यानी कि मोची।
नेक्स्ट है टेलर, टेलर मीन्स दर्जी, जो हमारे कपड़े सिलते हैं, हमारा नाप लेकर हमारे कपड़े बनाते हैं, उसको कहेंगे टेलर। नेक्स्ट है बार्बर, बार्बर माने नाई या हजाम, जिनसे हम अपने बाल बनवाते हैं और पुरुष जो है अपनी दाढ़ी वगैरह भी बनवाते हैं, उनको कहेंगे बार्बर। नेक्स्ट है नर्स, नर्स माने उपचारिका या दाई, यानी जो डॉक्टर की सहायक आपने देखी है वो होती है नर्स, ठीक है। चलिए इनको भी रिवाइज कर लेते हैं। पोस्टमैन डाकिया, मिल्कमैन दूधिया, वॉशरमैन धोबी, मेड आया या काम वाली बाई, सोल्जर सैनिक, टीचर अध्यापक, कोबलर मोची, टेलर दर्जी, बार्बर नाई या हजाम, नर्स उपचारिका या दाई। अब मैं आपसे पूछती हूँ कमेंट में, आप मुझे बताइए गायक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और वीडियो लाइक हो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसके लिए मुझे क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, साथ ही आई कार्ड बटन को और डिस्क्रिप्शन को चेक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह का अच्छा अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।